संडे कैसा बीत रहा तुम्हारा? क्या यार, आधा संडे बीत गया, ना कुछ खाने पिला ना कहीं घूमने को मिला। यार संडे को घूमने का तो छोड़ो, लेकिन खाने को तो बहुत कुछ मिल जाता भाई, ऐसी बात नहीं। क्या खिलाएगा वो गंद खिलाएगा? छोले भटूरे। यार छोले भटूरे क्यों खा रहे हो? बहुत चीजें मिलती है दिल्ली में। और क्या मिलती है भाई? क्या बात कर रहे हो भाई, अभी मैं एक झक्कासी चीज देख के आया हूँ तुम्हें, पता है? क्या देख के आया भाई? अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के अंदर बताऊंगा, वीडियो को देखते रहो और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना, वरना ये झक्कास चीज छूट जाएगी। चलो दिखाएं, चल के चलो आ जाओ भाई। सुनो सुनो सुनो, तो भाइयों ये पाव भाजी खा के आप भी बन जाओगे अपने घर में खास, क्योंकि ये पाव भाजी है यार बड़ी जक्कास। तो राम राम जी भाइयों। तो भाइयों, भैया ने पहना हाथ में हथियार और करने लगे इस पाव भाजी को तैयार। तो भाइयों, आपकी बीबी आपको नाम लेकर बुलाती है, तू करके बुलाती है, बे करके बुलाती है, तो उसको खिलाओ ये पाव भाजी और बोलने लगेगी हाँ जी सुनिए जी। तो भाइयों, भैया के मुंह के रिएक्शन से पता चल रहा होगा कि भाजी में कितनी ताकत लगाई जा रही है, और ये ताकत जब तक लगती रहेगी जब तक सब्जी अच्छे से मैस ना हो जाए, क्योंकि भाई भाजी के अंदर सब्जी का एक भी कण नहीं नजर आना चाहिए। अरे सुनो भाइयों, MDH वाले जिसको देखकर अपना धंधा हटा ले, वही है ये रंग बिरंगे मसाले। तो सुनो भाइयों, ये आपके लिए, ना है कोई फायदा ना है कोई घाटा, हर इंसान अपने पेट के लिए कमाता। अगर आप अपना दर्द संभाल सकते हो तो 60 रुपए निकाल कर इनकी पाव भाजी भी खा सकते हो। और अगर ये भाव लग रहा है आपको भारी, तो याद करिए वो होटल 400 रुपए में पाव देते हैं सिर्फ 4 ही। तो चलिए भाइयों, अब थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं। झक्कास पाव भाजी को 1 साल होने जा रहा है और भैया का नाम है मुकेश, जो भाई 10 मिनट से लगातार ऐसे ही पाव भाजी चला रहे हैं, क्योंकि सब्जी भाई अच्छे से मैश करनी है भैया को। और भैया की मेहनत रंग लाई, भैया ने भाई भाजी को अच्छे से भाई मैश कर दिया, सब्जी का एक भी कड़ नजर नहीं आ रहा है। अब भाई इसको भाई इकट्ठा कर लेंगे, फिर भाई ये देनी स्टार्ट होगी। अब मतलब प्लेट लगने ही वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, और थोड़ा सा देर ऊपर से धनिया डालेंगे बस गार्निशिंग के लिए, और भाई प्लेट लगनी स्टार्ट। इनके पाव दबा कर खाओ, मन करे तो घर भी ले जाओ, लेकिन दिखना मत। क्या बोला? दिखना मत, वरना होली मना देंगे बिना रंग के, गाल लाल कर देंगे। और ये भी ना हो पाया तो बिना तेल के आपके भी पाव सेक देंगे सिर्फ 60 रुपए में। कितने में? 60 रुपए में, 60 रुपए में। तो भाइयों, इतनी वीडियो देखने के बाद तुमने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा, तो भाई तुमसे बड़ा दोगला इंसान कोई नहीं है। इतनी देर में भैया ने बटर डाल के ऊपर से 2 पाव सेकने को रख दिए, अच्छे से घुमा रहे हैं भाई तवे के ऊपर, और भाई पाव को पलट भी दिया। देखो भाई क्या क्रंची पन नजर आ रहा है भाई, मस्त लग रहे हैं देखने में पाव तो। और भाई खाने में कैसे होंगे वो तो भाई लास्ट में पता चलेगा, ठीक है? और बात करते ही करते भाई ये 2 पाव सिक्के रेडी भी हो गए। अब इसके ऊपर फिर डाला जाएगा बटर, ये देखो आ गया बटर। अब इसके ऊपर 2 पाव फिर सेके जाएंगे। भाई आप सीख लो भाई कैसे सेके जाते हैं, आप भी अपने घर में ऐसे सेकना, और अपनी घर की शादी में पाव भाजी वाले को मत बुलाना, खुद ही स्टॉल लगा लेना पाव भाजी का, कुछ नहीं करना, बस बटर डालना है और ये 2 पाव सेकने हैं। ये देखो भाई घुमा दिया, टेढ़े मेढ़ा घुमाते रहो जैसे मर्जी, बस सामने वाले को पता चलना चाहिए पाव सेक रहे हैं। इसी तरीके से भाई पाव को घुमाते रहना और फिर इसको पलट देना, जो भी भाई तवे पे बटर नजर आ रहा है वो पाव की मदद से सारा बटर पोंछ लेना और पाव लग के रेडी। एक नींबू को 4 हिस्से में दिया बांट, क्योंकि छुरी ने दिया उसे काट। यार बहुत बेकार हुआ नींबू के साथ यार। और हाँ आलसियो, फोन चला के लेट मत जाना, एक बार इनकी पाव भाजी की प्लेट जरूर खाना, और सुनो ये चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो भाइयों प्लेटों पर प्लेट लग रही है, इसमें से हमारी भी एक प्लेट लग रही है, ऊपर से जा रहे हैं भाई गर्मा गर्म मोटे मोटे फूले फूले पाव, और भैया एंड मौके तक पाव को दबा दबा के सेक रहे हैं भाई, जिससे कि कस्टमर एक बार खाए और हरा भरा हो जाए। और भैया ने इस तिजोरी में से निकाला बटर और हर प्लेट में डाल देंगे हल्का हल्का बटर, क्योंकि पूरी पाव भाजी बटर पे ही डिपेंड है। अगर भाई जिस भी पाव भाजी वाले ने बटर पे भाई कंजूसी कर दी, तो समझ लो उसने अपनी पाव भाजी बर्बाद कर ली,
और आप लोग सोच रहे हो गए ये खाने के लिए कहाँ पर आना है, तो लोकेशन अभी बताऊंगा यार, रुको तो सबर तो करो थोड़ा सा भाई, सब कुछ मिलेगा बराबर मिलेगा। ये हमारी प्लेट इधर क्यों रखी है यार? तो भाई प्लेट में जिस चीज की कमी लग रही थी वो भी पूरी कर दी, प्याज डाल दिया, ऊपर से चटनी भी डालेंगे भैया, और ये प्लेट बिल्कुल टनाटन लग के रेडी है। तो भाइयों अन्ना डोसा पर रोजाना लगती है हजारों लोगों की भीड़, क्यों ना एक बार अन्ना डोसा के बगल में जो झक्कास पाव भाजी मिलती है एक बार उसकी प्लेट खाके लगाते हैं हजारों लोगों की भीड़। तो भाइयों लोकेशन देख लो, लोडी रोड है, अगर फिर भी नहीं मिलती आपको ये दुकान तो अन्ना डोसा डालना, जस्ट उसके बगल में मिल जाएगी आपको झक्कास पाव भाजी की दुकान। तो मेरे भाइयों अपनी कंजूसी हटाओ, समझदारी दिखाओ, होटलों की पाव भाजी छोड़कर एक बार इन भैया की भी पाव भाजी खाओ। तो गाइस ये लग के रेडी हो गई पाव भाजी की प्लेट, इसको टेस्ट करके देखते हैं भाई कैसी है, ऊपर से बटर नजर आ रहा है इसमें, और भाई ये तो चटनी धनिया पोते रहेंगे, और भाई ये है प्याज, और बाकी दो पाव मिले, 60 रुपए की प्लेट है भाई ये, ठीक है। तो भाई पहले थोड़ा सा इसके अंदर नींबू ना, हम भाई इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसी है ना। ये रहे भाई दो पाव, पाव देखो भाई अच्छे से मक्खन लगा पड़ा भाई, करंची हुए पड़े हैं पाव दोनों। ये तोड़ा भाई पाव का एक टुकड़ा, ये लगाया भाजी में, है ना, स्टार्ट कर दूं। भाई यार मस्त लग रही है पाव भाजी, ना कोई ज़्यादा स्पाइसी मसाले हैं, जैसे बड़े बड़े 5-स्टार रेस्टोरेंट में रहती है पाव भाजी वैसी लग रही है खाने में, खट्टापन भी हल्का सा और बटर का फ्लेवर भी आ रहा है, बढ़िया भाई, गर्मा गर्म खाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको, एक बार और खा के देखते हैं कैसा है ना। एक बार ये चटनी भी लगा लेते थोड़ी सी, बढ़िया भाई पाव भाजी में कोई कमी नहीं है। अगर अन्ना दुर्गा डोसा पे आते हो भीड़ देख कर डर जाते हो तो भाई यहाँ पे इनकी झक्कास की पाव भाजी एक बार जरूर ट्राई करना, मज़ा ही आ जाएगा भाई आपको, 60 रुपए की ज़रूरत है लेकिन चीज़ भी है भाई, मज़ा आएगा पक्का। तो भाई पाव भाजी खा के तो आ गया भाई मज़ा, और आपको ये वीडियो देख के आया है मज़ा, तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और भाई ऐसी और लाजवाब वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।